देवास शहर के बालगढ़ के पास चूना खदान काकड़ पर स्थित कबीर आश्रम अचानक चर्चा में आ गया। यहां से प्रशासन ने 6 महिलाओं को मुक्त कर अपने साथ ले गई है। इधर आश्रम में रहने वाली एक मंदबुद्धि 22 साल की युवती ने गत दिनों एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। बीएनपी थाना पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। दरअसल कबीर आश्रम में रहने वाली 22 साल की मुख बधिर और मंद बुद्धि युवती की गर्भवती होने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवती ने 6 नवंबर को एक स्वस्थ बच्ची को जन्म भी दिया। इस मामले में अब पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसको लेकर मुख बधिर और मंद बुद्धि युवती जिसने बच्चे को जन्म दिया था उसने प्रशासन की जांच टीम को इशारों में युवती से बात की तो पता चला कि वह चूना खदान तरफ रहती है। टीम ने आश्रम पहुंचकर जांच पड़ताल की तो पता चल गया कि युवती कबीर आश्रम में रहती है और जामगोद आश्रम में भी जाती थी। इसकी जानकारी बीएनपी पुलिस को देने के साथ ही जिला प्रशासन को 2-3 दिन पहले दोनों आश्रम में तहसीलदार दीपाली जाधव वन स्टॉप सेंटर और पुलिस के साथ पहुंची, जहां से 6 महिलाओं का रेस्क्यू कर वन स्टॉप सेंटर लाया गया। इस मामले में कबीर आश्रम की सदगुरु का कहना है कि इस बच्ची के मुख बधिर और बंद बुद्धि होने पर परिजन आश्रम में 6 साल की उम्र में छोड़कर चले गए थे। बच्ची काफी समय से यहीं रह रही थी और बीच में फिर कहीं चली गई थी। कुछ दिनों पहले कोई फिर से बच्ची को आश्रम छोड़कर चला गया। हमने देखा ये तो गर्भवती है, इसलिए उसे जिला अस्पताल में भेज दिया जिससे कि उसका उपचार हो सके। उसके साथ पाप किसने किया यह हम नहीं बता सकते। देवास से चंचल भारती की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तृप्ति ठाकुर है, मैं वन स्टॉप सेंटर में कार्य करती हूँ। हाँ जी बताएं, जिस जो आश्रम से बच्ची को लाए थे, बच्ची को जन्म दिया, पूरा बताएं किस तारीख में लाए थे और क्या क्या पूरा मामला हुआ था। यहाँ पर बालिका ने 6 नवंबर को एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसके बाद में हॉस्पिटल के द्वारा वन स्टॉप पे सूचना की गई कि यहाँ पर एक मुख बधिर बच्ची है जिसने एक बच्ची को जन्म दिया है। वहाँ पर जाके हमने बात की तो उसके साथ में कोई उसका परिजन वगैरह कोई नहीं था। तब हम वहाँ पर बात करके बच्ची से तब पता लगा उसके कुछ दिनों बाद कि वह बच्ची कबीर आश्रम की है। वहाँ पर हम लोग गए तब हमने देखा कि उसके जैसी और भी वहाँ पर कम से कम 5 से 6 बच्चियाँ है, और फिर रेस्क्यू कर हम उनको वन स्टॉप सेंटर पर लेके आए। इसके बाद क्या हुआ? फिर हमने उनको यहाँ पर रखा और उनको जो भी जरूरत की चीजें थी वो अभी बच्ची कहाँ है, जिसने बच्ची को जन्म दिया था? वो बच्ची अभी MG हॉस्पिटल में जच्चा वार्ड में है। और बाकी जो महिलाएं जो थी वो अभी सेवा धाम में हमने उनको शिफ्ट करा दिया है, जो कि वह उज्जैन में है। जी सर, एक जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं एक आश्रम से कुछ महिलाओं को वहाँ से प्राप्त किया गया है, कुछ आपत्तिजनक स्थिति में। सर क्या कुछ इस प्रकार की घटनाक्रम में? सर क्या जामगोद में एक कबीर आश्रम चलता है और उसका एक एक और दूसरा आश्रम भी है, दो आश्रम है जिसमें गाँव की जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग महिलाएँ हैं वो वहाँ पे रखी जाती थी। और ये बात भी सही है कि बहुत सारे समय गांव वाले भी वहाँ पे छोड़ के चले जाते थे। ये घटना जब हुई कि आज से 1 सप्ताह पहले एक युवती उसमें से प्रेग्नेंट पाई गई थी, और जब हमने उसकी काउंसलिंग करने के लिए इंदौर से भी एक्सपर्ट्स को बुलाया और साथ में यहाँ पे हॉस्पिटल में भी हमने किया, तो फिर ये सुनिश्चित करने के लिए कि आखिर वो प्रेगनेंसी किस हालत में हुई, तो हमने तहसीलदार की और महिला बाल विकास अधिकारी की और साथ में पुलिस अधिकारियों की एक टीम जो है वहाँ पर भेजा। और काउंसलिंग के जो वीडियोस हैं उसको देख के ऐसा कहीं ना कहीं प्रारंभिक रूप से ये प्रतीत होता है कि इन लड़कियों के साथ में आश्रम में या आश्रम के बाहर इनके साथ कुछ गलत हरकत हुई है। पूरा का पूरा प्रकरण पुलिस की संज्ञान में भी है, विस्तृत इसकी जाँच की जा रही है और अलग अलग पार्टियाँ गई हैं। और रामदास कहाँ पर रहते हैं आप? कुलाला। कुलाला क्या है ये जी? ये कौन सा आश्रम है? पास में नहीं, ये कौन सा आश्रम है ये? हाँ ये आश्रम गौशाला है। गौशाला है जी। और कबीर जी ही रहते हैं? हाँ रहते। जो मुखिर बच्चे और जो लेडीज कहाँ रखते थे आप लोग इन लोगों को? नहीं नहीं, लेडीज तो वो नीचे घर है ना एक। अच्छा अच्छा, उधर रहते, कभी यहाँ रहते थे, कभी यहाँ गौशाला। अभी कहाँ गए वो लोग? पता नहीं, अभी यही तो थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, पुलिस वाले कोई आए थे क्या लेने? कुछ
नहीं पुलिस वाला का हमको पता नहीं, हम जरा क्योंकि हम उतर रहते हैं अपनी साधना वाधना में थोड़ा रहते हैं, धूप लेते हैं, सुबह सूर्य नमस्कार वगैरह करते रहते हैं। अच्छा, अभी यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो कहाँ पर हैं? वो मंगल नाम साहेब है, वो चले गए पता नहीं गाड़ी लेके, दो तीन गाड़ी पर चले गए। क्या शुभ नाम है आपका? SI ज्योति पाटिल। किस थाने में पदस्थ हैं आप? मैं BNP थाने पर पदस्थ हूं। मैडम, BNP थाने अंतर्गत कबीर पंथी आश्रम में क्या पूरी घटना करी, पूरा बताएं आप। कबीर आश्रम एक्चुअली BNP थाने पर नहीं लगता है, कबीर आश्रम चूना खदान IA थाने पर लगता है, औद्योगिक क्षेत्र थाने पर, और जामगोद में गौशाला है। तो ये जो आश्रम वाले आश्रम के संचालक हैं, इन्हीं ने यहाँ पर गौशाला डाल रखी है जामगोद में। क्या बच्ची थी मिली थी इसको, किसी आप जिला अस्पताल आए थे, क्या पूरा मामला बताएं? जिला अस्पताल देवास से हम लोगों को सूचना मिली कि ये जो बच्ची है ये जामगोद गौशाला से 108 के द्वारा MGH लाई गई है, और इसके साथ कोई भी नहीं है, और ये अपना नाम लड़की बता रही है, और ये 20 साल की है बस, इसके अलावा इसकी कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, इसने किस बच्चे किसको जन्म दिया और कहाँ पर जन्म दिया, इसके बाद आप अस्पताल MGH में अस्पताल में ही दिनांक 7 तारीख को 7/11 को बच्ची को जन्म दिया था। इसके बाद आप आश्रम गए थे तो क्या मिला वहाँ पर, कितनी महिलाएं मिली, क्या थोड़ा बताएं? आश्रम में हमें कुल 7 महिलाएं मिली थी, जिसमें से 6 महिलाओं को हमने रेस्क्यू किया है, और एक जो थी वो किसी बाबा की वाइफ ही थी, तो हमने उसे अपने साथ ले लिया, और वो आश्रम में ही होगी अभी। और इसके अलावा वहाँ पे 5-6 लोग जेंट्स भी थे, मतलब बाबा का रूप लेकर, और कुछ बाबा के वो दर्शन। आश्रम कैसा था, आप गए तो चद्दर का था, छत थी आश्रम पे, किस टाइप से आश्रम बना हुआ? गौशाला में जो था वो तो टेंट का बना हुआ था, वहाँ चादर से गौशाला के लिए केवल गौशाला की दीवार थी, इसके अलावा चादर से ही बना हुआ था। जिस जगह पे वो लोग ठहरते थे वो चद्दर, मतलब लोहे की चद्दर से बना हुआ था, और जो टेंट के नीचे वो भजन कीर्तन वगैरह करते थे वो टेंट के नीचे करते। ये जो महिलाएं आपने ये किस जगह पे थी? ये जो महिलाएं हैं ये चद्दर वाला जो टेंट शेड से बना हुआ है उस जगह पर थी। कैसी महिलाएं ये, थोड़ा सा? ये कुछ महिलाएं इसमें से मानसिक रूप से काफी कमजोर है और कुछ बोल नहीं पाती है। अब आपने क्या कार्रवाई करी है? इसमें हमने इन महिलाओं को रेस्क्यू करके वन स्टॉप सेंटर छोड़ा था, और फिर उसके बाद में वन स्टॉप सेंटर से इन्हें सेवाधाम उज्जैन भेजा गया। अब जो वहाँ पे जेंट्स हैं उन पर किस तरह की शासन कार्रवाई कर रहा है, किन धाराओं पर कार्रवाई कर रहा है बताएं।